जय हिंद वंदे मातरम। सो दोस्तों, कल जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच था वो लास्ट में बहुत ही रोमांचकारी रहा। इंडियन की तो धड़कने थम गई थी, क्योंकि कल जो इंडियन बैट्समैनों ने जो क्रिकेट खेला है वो कुछ अच्छा नहीं खेला है, बैटिंग अच्छी नहीं कर पाए। सिर्फ विराट कोहली, केदार जाधव ने ही अच्छा खेला, बाकी पता नहीं क्या करके आए थे। चलो क्रिकेट है, पर दाग देनी पड़ेगी, बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही। जैसे कि मोहम्मद शमी ने लास्ट ओवर में हैट्रिक जड़ी, और बुमराह ने भी अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है। तारीफ करनी पड़ेगी अफगानिस्तान की न्यू टीम है, किस तरह से उनने बॉलिंग की और इंडिया को 224 के छोटे से स्कोर पे वो कर दिया। मीन्स ऑल आउट तो नहीं हुए थे, पर 224 स्कोर बहुत ही छोटा होता है। और लास्ट का आपने जो मैच देखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, लास्ट ओवर तक, लास्ट के 3 बॉल तक भी जो मैच था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सभी इंडियंस दिल थाम के बैठे होते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट की जो 2 दिन बोले थे इस पे भी मैच अगर पलट सकता था, पर जीतेगा तो इंडिया ही। और बात करते हैं उन भड़वों, उन सूरों की, उन जूतियों को, अब देखना वो तोबा चलाया हुआ इन्होंने कि इंडिया फिर जीत गया, बाप फिर जीत गया, तो वो तो जीतना ही था, बाप जो ठहरा। अभी पाकिस्तानी रिएक्शन देंगे, चूतिया मुर्गी टट्टी और क्या बोलते चूची खान वगैरह जितने भी है, नावेद कुत्ता, ये सारे रिएक्शन देंगे। तो बच्चों, बच्चे बन के रहो और बाप से पंगा मत लो। अब तुम्हारा मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, अब देखना कैसे चूतते हैं गोरे। और दूसरी बात, जिस तरह से अफगान भाई हैं, पठान भाई तो वैसे रो रहे थे, हंस भी रहे थे, और दुख होता है यार। मैं भी अपनी कंट्री में जैसे कल मैच देख रहे थे तो बहुत ही, जो लास्ट का ओवर था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, किस तरह से दिल की धड़कनें थी थम गई थी। तो वो तो चलो अपनी कंट्री अफगान भाई ने बोला कि क्रिकेट है हमारी नई नई टीम है और देखते क्या बनता है, उनको तो विश्वास था भी और ना भी। अरे बंदे को यार, जिस कंट्री में बंदा पैदा होता है, जिस मातृभूमि में पैदा होता है, उससे प्यार होता है। पर पठान भाई और अफगान भाई इंडिया को सपोर्ट करते हैं, चाहे क्रिकेट हो चाहे जो भी हो, हर जगह सपोर्ट करते हैं। उनने जो भी वीडियो बनाई इंडिया के अगेंस्ट में, तो हम भी उनको प्यार देते हैं। कल भी उनने वीडियो में पठान भाई बेचारे रो भी रहे थे, खुशी भी थे, पर उनका रिएक्शन जो था पाकिस्तानी के साथ अगला मैच इनका अफगानिस्तान का, तो उनने बोला कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीता तो मैं टीवी नहीं तोड़ूंगा, अफगानियों के प्लेयर होके सिर तोड़ूंगा। तो रियल सही भी है, क्योंकि दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों ने फैलाई है वो पाकिस्तानियों ने फैलाई है, तो उन्होंने सही कहा। और अफगान भाईजान ने बोला चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे कोई जंग का मैदान हो, चाहे कुछ भी हो, हम इंडिया के साथ है और हर एक उसमें साथ है। तो ये हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, अफगान भाई और पठान भाई का भी। और अफगानिस्तान टीम की जो नई नई अभी आई है, दूसरा मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप है इनका, तो बहुत ही अच्छे इनने खेला है। बेशक इनकी बैटिंग अच्छी नहीं थी, बॉलिंग और फील्डिंग जो थी बहुत ही अच्छी थी, जिस तरह से इनने वापसी किया, जिस तरह से अच्छा मैच खेला इनने कल इंडिया के साथ, एक बहुत बड़ी टीम के साथ, वर्ल्ड की अच्छी टीम के साथ मैच था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा। और इंडिया ने वैसे कल बैट्समैन अच्छी नहीं की है, केदार जाधव और विराट कोहली को छोड़ के, बाकी फील्डिंग और बॉलिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी थी, जिस तरह से हैट्रिक लड़ी मोहम्मद शमी ने, बुमराह क्या नाम है यादव, बहुत सी अच्छी ने बॉलिंग की है। और इंडिया को एक तीसरे पायदान पे 9 पॉइंट पे ला दिया, तीसरे पायदान पे। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच, वैसे कप कहाँ लेके जा रहे हो, कप तो इंडिया ही लेके जाएगा, पूरे भारत की ये विश है कि जीतेगा तो इंडिया ही। और नेक्स्ट मैच देखते हैं क्या बनता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पठान भाई को सलाम, अफगान भाई को सलाम, और अफगानिस्तान टीम को भी सलाम, जिनने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी टीम को एक अच्छा मनोबल दिया अफगानिस्तान के लिए भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।